हाँ दूसरे में, पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को, ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। तो ये संक्षिप्त में ये हमारे कार्यक्रम है और ये आज से प्रक्रिया इसकी प्रारंभ हो गई है। इसमें 3 अप्रैल से 2 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें पहले फेज का नामांकन जो है वो 3 अप्रैल को रखा गया है, नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल को रखी गई है, उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 7 अप्रैल रखा गया है, प्रतीक आवंटन भी उसी दिन सायंकाल 3 बजे के बाद किया जाएगा, फिर 15 को मतदान होगा और मतगणना जैसे कि मैंने बताया ये 2 तारीख को होगा। दूसरे फेज का नामांकन 7 अप्रैल को होगा, नामांकन पत्रों की समीक्षा जांच जो है वो 9 अप्रैल को होगी, उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 11 अप्रैल रखा गया है, उसी दिन प्रतीक आवंटन किए जाएंगे, 19 अप्रैल को फिर मतदान होगा और मतगणना पुनः 2 तारीख को प्रारंभ की जाएगी। तृतीय चरण का नामांकन 13 अप्रैल को होगा, संवेक्षा यानी उसका परीक्षण 16 अप्रैल को किया जाएगा, उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 16 अप्रैल रखा गया है और 18 अप्रैल को प्रतीक आवंटन ही किया जाएगा, 18 अप्रैल को ही नामांकन प्रतीक आवंटन होगा और उसी दिन वापस लेने का है सुबह में, मतदान जो है वो 26 अप्रैल को होगा और मतगणना पुनः 2 तारीख को होगी। इसी प्रकार चतुर्थ चरण जो है 17 अप्रैल को रखा गया है नामांकन का, 19 अप्रैल से 20 अप्रैल रखा 19 अप्रैल को रखा गया है नामांकन पत्रों की समीक्षा, 19 से लेकर के 20 तक रखी गई है, 21 अप्रैल को आवंटन की प्रतीक आवंटन है, प्रतीक 21 अप्रैल को है और 29 को मतदान का दिवस है और 2 मई को पुनः मतगणना होगी। तो ये मुख्यतया ये हमारे कार्यक्रम है जो आज से प्रारंभ होकर और मतगणना तक ये पूर्ण हो जाएंगे। तो ये बहुत प्रतीक्षित चुनाव था, कोरोना के चलते इसमें काफ़ी विलंब हुआ है और हमारे पास समय सीमा काफ़ी कम थी, जो अवधि हमारे लिए है, इसलिए हम लोगों ने इसे इस अवधि में पूर्ण करने का, सुचारू ढंग से पूर्ण कराने का किया है। इससे संबंधित निर्देश सभी जनपदों को जा चुके हैं, सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और ये चुनाव सकुशल संपन्न होंगे और ये पूरे प्रदेश में मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्षतापूर्वक ये चुनाव कराएंगे। आप सबको बहुत बहुत सर, कोरोना की गाइडलाइन को लेकर भी सर, 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 आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोरोना का मैं सर, मैं आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी थी सर, प्रेस लोकतंत्र न्यायपालिका की सम्मान नहीं करता है, क्या आयोग न्यायपालिका की सम्मान नहीं करता, ये चुनाव एक महीने चलेगा, सर क्या आयोग न्यायपालिका की सम्मान नहीं करता, सर क्या आयोग न्यायपालिका की सम्मान नहीं करता, सर क्या आयोग न्यायपालिका की चुनाव एक महीने चलेगा, सर क्या आयोग न्यायपालिका की सम्मान नहीं करता, एक महीने में आप सर क्या आयोग न्यायपालिका की सम्मान नहीं करता। पहले
ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को, चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल।